जिस तरह बेसन के पकोड़े सबको पसंद आते हैं ना, उसी तरह से बेसन की सब्जी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है अगर बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही एक बेसन की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। सच में आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की ये स्पेशल बेसन की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने बेसन। बेसन आप मोटा बारीक कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 बाउल बेसन के लिए हैं, देख लीजिए, 2 कप कह सकते हैं आप, 2 कप बेसन लिया है, इसको बड़े बाउल में ऐड कर दिया है। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत अच्छी सी एक बाइंडिंग लाने के लिए 1 चम्मच मैदा। अगर मैदा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, खाली बेसन का ही यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर, और साथ ही में 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और यहाँ पर डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा कि ये हमारा बेसन है ना, चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, और इसका परफेक्ट हम जो इसका यूज़ करना चाहते हैं उस तरह से हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो 3 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम से मोइन आना चाहिए, जैसे हम आटे में मोइन लगाते हैं मैदे में। तो मुझे थोड़ा कम लगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ इसमें, 2 चम्मच के करीब मैंने तेल और डाला है, और अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो बेसन अच्छे से है, जब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये मोइन लग गया है। अब लिया है मैंने 1 गिलास पानी, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी है ये। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल कम पानी में ही हमारे एक टाइट सा हमें डो लगाना है, और तेल की वजह से ये बिल्कुल भी हमारा डो चिपकेगा नहीं हाथों में, बहुत आसानी से हम इसे गूँथ पाएंगे अच्छी तरह से, और एकदम टाइट टाइट इसका डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करेंगे, ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जैसे आटा गूंदते हैं ना, उस तरह से हम इसे गूंद लेंगे। और ये देखिए, तेल होने की वजह से ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है, आसानी से इसका डो लग चुका है। और ये देखिए, इस तरह का डो होना चाहिए। अब इस डो में से मैं छोटे छोटे पार्ट अलग कर रही हूँ, मतलब जैसे लोइयाँ रखते हैं हम, लोइयों जितना मैंने इसे तोड़ लिया है, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और वापस से एक लोई में से भी दूसरे 2 पार्ट 2 हिस्से कर लिए मैंने। और एक छोटा सा गोल पेड़ा बनाएंगे, लोई बनाएंगे, और यहाँ पर बेलन से इसे बेलेंगे। एक तरीका तो ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ बेलन से बेल कर बनाने का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बेल रहा है, बिल्कुल भी सरफेस पे या हाथों पर चिपक नहीं रहा है। तो आप एक तरीके तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, इस तरह से उंगली से मैं इसे रोल कर रही हूँ, और ये देखिए इस तरह से दबाते हुए इसे रोल कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसे थोड़ा सा फैला लेंगे, मतलब इसे लंबा कर लेंगे रोल करते हुए। और फिर उसके बाद लेंगे हम एक चाकू, और चाकू से इस तरह से इसके छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शेप में हमें इसे काटना नहीं है, छोटी छोटी शेप में ही मैं इसे काट रही हूँ, बहुत छोटा छोटा। तो देख लीजिए इस तरह से इसे कट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि इसे बेल कर रोल करके कट कर लें, और दूसरा तरीका इस तरह से कि आप सीधा लोई लीजिए, उसे गोल कीजिए सरफेस पर रख के, और इस तरह से लंबा कर लीजिए दोनों हाथों की हेल्प से, इक्वल बराबर से इसे लंबा कर दे जाएंगे। और ये देखिए, एक बड़ी सी रस्सी जैसा मैंने इसे बना लिया है। और अब फिर से चाकू लेंगे, और इसके इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो जो भी तरीका आपको इजी लगे, आसान लगे, आप उस तरीके से इसके इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कट कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कर ज़रूर दिया कीजिए, इससे पता चल जाता है हमारी रेसिपी कैसी है। तो इस तरह से हम सारे ही अपने बेसन के पीसेस कट कर लेंगे, और यहाँ पर गैस पर चढ़ा देंगे कढ़ाई, और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। बेसन की सब्जी में ना सरसों के तेल की बहुत अच्छा सा जायका आता है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी बेसन की सब्जी बनाए ना, तो सरसों के तेल में ही बनाएं। उसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे जैसा कि आपने देखा है, और यहाँ पे पिसी हुई प्याज ली है मैंने, 2 प्याज को पीस लिया था मीडियम साइज़ की, और प्याज का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इन सबको अच्छे से
कुछ देर के लिए मिक्स करते हुए भूनेंगे। और जब प्याज हमारी थोड़ी सी भुन जाएगी, इसका कलर सुनहरी हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे दो टमाटर। मैंने पीस कर टमाटर लिए, पिसे हुए टमाटरों का यूज़ किया है। आप ये दो टमाटर इसमें डाल दें अच्छे से और इसे मिक्स करके इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे और कुछ सेकंड तक इसी तरह से इसे पकने देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे ये हरी मिर्चें, तो थोड़े बड़े साइज में मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं, इन्हें कट करके ऐड कर रही हूँ। और अब जाएंगे इसमें हमारे डेली रूटीन के मसाले, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया 2 से 2 चम्मच डाला है मैंने और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और थोड़ा सा पानी डालकर हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे, जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से दानेदार ना हो जाए और मसालों का सारा कच्चापन ना चला जाए। तो अच्छी तरह से इसे भूनेंगे, कम से कम 5 मिनट तक, 5 से 6 मिनट लगेंगे। अच्छी तरह से भुन जाएगा हमारा मसाला, दानेदार हो जाएगा। तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ये बेसन के कटे हुए पीसेस। तो ये देख लीजिए, ये सारे के सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत यूनिक सी मज़ेदार टेस्टी बेसन की ये सब्जी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर देंगे इसे और फिर इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह की आपको ग्रेवी चाहिए, जितना लूज़ जितना गाढ़ा आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। बहुत ज़्यादा मैं इसमें पानी का यूज़ नहीं करूँगी, इतना पानी डालें कि आपका ये बेसन हमारा ये अच्छे से थोड़ा पक भी जाए और ग्रेवी भी रह जाए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास जितना पानी डाला है और थोड़ी देर इसे ढक के पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद देख लीजिए, 10 मिनट पकाना है, 10 मिनट में ही हमारे बेसन की सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुकी है, तैयार है। इसमें ऊपर से कसूरी मेथी ऐड करेंगे और थोड़ी देर रखूँगी, उसके बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाऊँगी। कसूरी मेथी डालने के बाद इसका जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर रख के फिर उसके बाद में हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए लीजिए, तैयार हो गई है हमारी ये बेसन की सब्जी। आप इसे गट्टे की सब्जी का भी नाम दे सकते हैं, पर हमने इसे बहुत आसान तरीके से बनाया। अगर आप इसे गट्टे की सब्जी का नाम देते हैं तो बिना हमने बेसन को बॉईल किए, स्टीम दिए हुए, आसान तरीके से हमने ये सब्जी तैयार कर ली। या तो फिर आप इसे छोटे छोटे बेसन के पीसेस के कटे हुए हैं, तो मैंने बहुत छोटे शेप में काटे थे, तो आप इसे बेसन के छोले भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह के लग रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल यूनिक नए तरह की बहुत टेस्टी सी लाजवाब ये बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर किसी रेसिपी में, तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू।